Avec la 118. Mmh, non. Bon, on va rester à vous. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के दिन की शुरुआत एक बहुत ही अच्छी धूप के साथ हुई है और बहुत ही अच्छे ब्रेकफास्ट व्यू के साथ हुई है और ब्रेकफास्ट के साथ हुई है। ब्रेकफास्ट पार्टनर भी फिलहाल के लिए करण है, दीक्षा अभी आ रही है ऊपर रूम में ही है। बट इस होटल की जो वाइब्स हैं वो हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गेटिंग अस बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुकून वाली फीलिंग होती है ना, व्यू तो आपने अभी देख ही लिया, वो आ रही है। तो अभी ज़रा करते हैं ब्रेकफास्ट, थोड़ी पेट पूजा करते हैं, फिर तैयार होके निकलेंगे यहाँ से। सो वी आर हेयर एट द डिपीज द बुटीक होटल इन कसौली नियर सोलन। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। अभी रात वाला पॉइंट दिखाना बाकी है, पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत ही ब्यूटीफुल था कल जब मैंने देखा था, तो आई एक्सप्लोर इन द इवनिंग। बाकी हेयर इज शिफाली विद मी एंड शी इज़ द ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, सो लेट्स हेयर समथिंग फ्रॉम हर ऑल्सो। बाकी बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, प्लांटेशन है हर जगह पे, आप जहाँ भी जाएंगे आपको मज़ा ही आने वाला है, अच्छा ही लगने वाला है आप लोगों को। इनफैक्ट रूम्स, बालकनी एंड वी आर स्टैंडिंग इन द रेस्टोरेंट एरिया, अभी बालकनी व्यू है यहाँ से, बिल्कुल अच्छा व्यू है आपके सामने दिख रहा है आपको। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, प्लस पार्किंग एरिया बहुत अच्छा है यहाँ पे, कोई भी कार आएगी बड़ी छोटी सब इजीली पार्क हो जाएंगी। और उसके अलावा खाना तो भाई खाना तो अल्टीमेट है, डिलीशियस बटर चिकन बहुत अच्छा है। एंड इसके अलावा यू वुड सजेस्ट यू कि आप लोग जब यहाँ पे आए ना तो प्रीमियम रूम ही बुक करें, क्योंकि वो बैल्कनी व्यू है और उसमें और इतना कॉस्टली नहीं है, वो बैल्कनी व्यू है और उसके साथ साथ धूप सारा दिन आती है। तो अगर आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं, चिल करना चाहते हैं, तो आप बैठिए धूप में बैठिए और इन्जॉय करिए, आपको मज़ा ही आने वाला है। सो लेट्स हियर समथिंग फ्रॉम शिफाली, शी वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड इन्वाइट यू गाइज ऑल्सो। और इन्विटेशन का मतलब ये नहीं है कि पैसे नहीं लगेंगे, पैसे लगेंगे। एक्चुअली दिल्ली आइट्स एंड जो भी एन सी आर या मेट्रो सिटीज़ के में रहते हैं, आई थिंक दिस प्लेस इज़ रियली हेल्प देम टू अनवाइंड देमसेल्व्स, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा नेचर के पास है, शांति है, बर्ड्स आर देयर, स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग, सो पानी की आवाज़ सब कुछ, मतलब काफ़ी ज़्यादा नेचर है। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू ऑल जस्ट टू कम हियर एंड स्पेंड सम Time here, chill here, दिल्ली वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया जगह है, आपको सुकून शांति मिलेगा, साफ वेदर मिलेगा। दिल्ली में एक वही होती है, पता नहीं कितनी 931 समथिंग थी, मैं लास्ट टाइम देखी थी, यहाँ पे 46 है। सो अमेजिंग अमेजिंग वेदर, सो मेनी बर्ड्स एंड यू कैन जस्ट कम एंड सी ऑल द बर्ड्स, बहुत सारी नेचर में बहुत सारी बर्ड्स हैं। जंगल एरिया इस प्रॉपर्टी के आगे पीछे थोड़ा सा जंगल पड़ता है, सो यू कैन ट्रैक देयर आल्सो। That's it. So this is it, and thank you very much, Shefali, for letting us stay in this beautiful property. Thank you so much. And just subscribe. I'm not that good. No issues. तो आप भी subscribe करेगा और आप लोग तो जरूर subscribe करेगा और share करेगा ताकि बाकी जो लोग हैं जो कसौली साइड आ रहे हैं वो यहाँ पे आ सकें and they will enjoy it. I'll mention her mobile number and the properties link in the description. और मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं अभी, मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, so no issues. But we will grow like this. So thank you very much. Thank you so much. Thank you. तो जी फिर से आ गए हैं हम लोग, मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं, ऊपर आ गए हैं काफ़ी, यहाँ पे ठंड बढ़ गई है, नीचे तो बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे ठंड फिर से बढ़ गई है। और हाँ, और ये बर्फ़ अभी जैसे यहाँ पे दिख रही है ना, तो कल तो फुल स्ट्रीट्स पे ही बर्फ़ थी यहाँ पे, अब बर्फ़ हट गई है, मेल्ट हो गई है, धूप थी यहाँ पे। लेकिन अगर आप कसौली आ रहे हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा कि यहाँ पे पार्किंग का इशू है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है, सड़कें पतली हैं, वेल मेंटेन्ड सड़कें नहीं हैं, बहुत टूटी हुई हैं, और लोग गाड़ियां पार्क करते हैं सड़कों के साइड में ही, और हम लोग तो गाड़ी पीछे पार्क करके आए हैं, लोग सड़कों के साथ में गाड़ियां पार्क करते हैं, हमने एक सेफ सी जगह ढूंढ के वहां गाड़ी पार्क कर दी थी। बट ये एक मेजर इशू है यहाँ पर गाड़ी पार्क करने का, तो कोशिश करिएगा कि जहाँ भी आपको जगह मिले, सेफ जगह मिले, वहाँ ढूंढ ढांड के खड़ी कर दीजिएगा, रोड में ना लगाओ कि हाँ बीच रोड में ना लगाओ, क्योंकि लोग गाड़ियां देते हैं और बड़ी दिक्कत होती है, जाम भी इसी वजह से ज़्यादा लगता है, हमने बहुत सारी दी थी।
भर भर के दी थी तो ये हमने गाड़ी ऐसी जगह पार्क नहीं की, हमने बहुत देख के हमने पार्क करी है, किसी को दिक्कत नहीं आएगी, जैसे हमने पार्क करी थी कल भी और आज भी। तो अभी चलते हैं आगे मॉल रोड जरा एक्सप्लोर करते हैं। कल तो स्नो थी तो ज़रा हम शूट नहीं कर पाए, बहुत स्लिपरी हो रहा था, ब्लैक आइज हो रही थी, आज थोड़ी मेल्ट हो गई है। तो आज चलते हैं आगे, देखते हैं भाई क्या करते हैं आज हम लोग। पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाई तो फिर पहाड़ों में आए ही क्यों, तो घर बैठो फिर। नहीं नहीं, जब तक हमने पहाड़ों में आके 10 रुपए की मैगी का 50 से 60 रुपए नहीं दिया तो क्या किया यार। तो 10 रुपए का पैकेट ले तो घर में बना के बैठ जाते हो, वो तो खर्चा करो यहाँ आके 50 रुपए दो 10 रुपए की मैगी के तो वो अर्थ है, तब मजा। लेकिन वो तो भाई घर से बाहर निकलोगे तो कहीं भी मैगी महंगी ही मिलती है, गुड़गांव ही क्यों ना हो। सो अभी वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स गिलबर्ट ट्रेल एंड सनसेट पॉइंट। वैसे सनसेट का टाइम नहीं है बट हमारे पास यही टाइम है सनसेट पॉइंट पे जाने के लिए। और यहाँ पे इसे इतनी सांस लिए चढ़ रही है बिकॉज ये बहुत स्टीप है चढ़ाई और आपको यहाँ वॉक करके ही जाना पड़ेगा। गाड़ियाँ एक दो देखी मैंने यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास 4x4 या फिर कोई SUV है ना पावरफुल तभी लेके आना, छोटी गाड़ियाँ मत लेके आना, मज़ा नहीं आएगा, चढ़ नहीं पाएगी। इस बढ़िया वॉक करो, शरीर में थोड़ी गर्मी भी आएगी और यहाँ का व्यू भी थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा है। तो यहाँ पे ज़रा रास्ता बना हुआ है वहीं पर चल रहे हैं हम लोग बिकॉज ये सारी ब्लैक आइस है तो कभी भी स्किड हो सकते हैं। बट ये जो मेरे शूज़ हैं ये काफ़ी बढ़िया हैं, इसकी वजह से बिल्कुल भी मैं स्लिप हो नहीं रहा हूँ और टच वुड आगे भी ना हूँ। तो जी ये था गिलबर्ट ट्रेल, जहाँ पे एक्चुअल में कुछ देखने के लिए था नहीं, वहाँ पे एक बस पहाड़ी रास्ता लगा जो मुझे, और वहाँ पे स्नो थी हल्की सी जो कि मेल्ट हो रही थी तो रास्ता बड़ा गंदा था तो इसलिए हम लोग वहाँ गए नहीं। अभी फाइनली फिर से जा रहे हैं सनसेट पॉइंट के लिए और वहीं बैठेंगे, वहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, वहाँ पिक्चर्स अच्छी आ रही हैं और व्लॉग भी अच्छा बन रहा है। तो आप देखिएगा यार, हाँ क्लासी अमेजिंग क्लासी पिक्चर्स आ रही हैं एकदम। तो वहाँ चल के बैठते हैं, सनसेट का मज़ा लेते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी लंबा रास्ता है यार लेकिन गिलबर्ट ट्रेल तक आने का, बहुत जो तो नीचे जाना है कसौली मॉल रोड से ऊपर आने का मेरे को लगता है 2-2.5 किलोमीटर तो आराम से होगा, और जब पहाड़ी रास्ता होता है तो फिर हालत तो थोड़ी सी बुरी हो ही जाती है। तो ये है सनसेट पॉइंट और यहाँ पे व्यू बहुत ही कमाल का है जैसा कि आपने अभी टाइम लैप्स में देखा। तो अभी बज रहे हैं 4:45 और आई गेस कि 5:30-6 तक ही सनसेट होगा यहाँ पे, और इतनी देर तक मुझे लग नहीं रहा कि हम लोग यहाँ रुक पाएंगे क्योंकि अगर रुकेंगे तो फिर नीचे मॉल रोड तक जाते जाते ही हम लोगों को कितने बज जाएंगे, 1.5-2 घंटा तो नीचे आने लग जाएगा, 2.5-3 किलोमीटर है ठीक है, और फिर थोड़ी सी ब्लैक आइस भी है वहाँ पे नीचे, तो ब्लैक आइस, अच्छा ब्लैक आइस, हाँ वही काली आँखें हैं तो जिसमें फिसल लेते हैं, हाँ तो वो भी है तो हम फिसल भी सकते हैं उसमें, तो इस वजह से अभी हम लोग चलते हैं नीचे, व्यू एक बार दोबारा से दिखाते हैं। हाँ ये वाला बढ़िया व्यू, हाँ ये वाला। ओ अरे भाई साहब ये किसी का बच्चा रह गया यहाँ पे, क्या चलो बेटा चलो, क्या है कहाँ पापा मम्मी कहाँ हैं,
कहाँ रह गए? नंबर पता, नंबर पापा का, मम्मी का। हंसने की जरूरत नहीं है, ये अकेले हो जाओगे थोड़ी देर में, यहाँ पे ठंड पड़ जाएगी बच्चे, यहाँ पे ठंड पड़ जाएगी। बहुत मानेगी बात, क्या अनाउंसमेंट करवाते हैं, नाम क्या है आपका? ग्लैमर भी ले लें थोड़ा व्लॉग में। तो जी वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, जब तक हम पेट पूजा करी हमने, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। पीछे देख लो क्या हो गया, दिख रहा है? दिख रहा होगा, बादल आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी स्नोफॉल हो सकती है ना। स्नोफॉल, फॉग तो है ही, फॉग तो बहुत तगड़ा है और ठंड बढ़ गई एकदम से ना, पहले ठंड इतनी नहीं थी लेकिन अब ठंड बढ़ गई है। ये देखो चार चार कपड़े पहन के लड़की चल रही है, समझ में कुछ भी पहन रही है, अभी तो कंबल डालेगी। तो अभी बज रहे हैं कितने? बज रहे हैं यार, तो इतने बज रहे हैं, छः बज रहे हैं। तो आई गेस सीरी कितने बज रहे हैं? ये सीरी है हमारा, ये सीरी है, ये टाइम बताती है। तो हम एक काम करते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से, आज कोशिश करते हैं उजाले में पहुँचें, थोड़ा सा होटल पहुँचने की कोशिश करते हैं उजाले में, और फिर वहाँ चल के होटल भी दिखाना है ना आपको, रात का तो व्यू है। तो ऐसा था कुछ हमारा आज का मस्ती भरा दिन, मस्ती करते हुए घूमते फिरते हुए पूरा दिन कट गया, पूरा दिन निकल गया, पता नहीं चला। ऐसा ही होता है ट्रिप पे, अगर ऐसा हो तो मतलब आपकी ट्रिप बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी कंप्लीट हुई है। कल का दिन है, कल है संडे, कल हमें निकलना है वापस गुड़गांव के लिए, अपने घर के लिए। दोपहर तक निकलेंगे, मतलब आई गेस 12 बजे तक निकल जाएंगे। बट आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, हमारी मस्ती, हमारा घूमना फिरना, जो भी हमने दिखाया, जो भी हमने बातें की, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये रिजॉर्ट, ये होटल, ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली पसंद आई होगी, दिस इज़ लाइक अमेजिंग। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, बहुत ज़्यादा दिखा चुका हूँ, बट सिंपली अमेजिंग। और आई होप आप लोगों को ये पूरा ऑल टुगेदर पूरा ब्लॉग पसंद आया। अगर यहाँ तक देखा है तो भाई लाइक करके जाना, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फैमिली कंटेंट है। और कमेंट भी करना, बताना भैया कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और अगर जो भी लगा वो बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कसौली का। बस इसी तरह हमारी कसौली की इस ट्रैवल सीरीज़ का एंड होता है। 2 ही दिन का है कसौली, अगर आपको प्रॉपरली घूमना है, चिल हुए घूमना है, 2 दिन का है, अगर जल्दीबाजी में घूमना है तो बस 1 ही दिन का है। हमने टाइम लिया, थोड़ा रिलैक्स हुआ, थोड़ा चिल करा, थोड़ी ज़्यादा मस्ती करी, तो हमने 2 दिन लिए। तो मी, दीक्षा, करण, वी होप कि आप लोगों को हमारा ये कसौली के दोनों व्लॉग्स पसंद आए होंगे। आई डो नॉट नो कल संडे है, कल मैं व्लॉग करूँगा कि नहीं करूँगा, अगर करूँगा जो भी आसपास रहा तो इस व्लॉग में इंक्लूड कर दूँगा, जो भी शूट करा, नहीं किया तो दिस इज़ द एंड ऑफ द कसौली ट्रैवल सीरीज़। ऐसे ही किसी ट्रैवल सीरीज़ में आपसे दोबारा मिलते हैं, और आप हमारे साथ बने रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, हमें भी आगे बढ़ाते रहिएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर।